बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लास्ट वीक हमने रेडियो एक्टिविटी को स्टडी किया था, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, क्या होती है? इंडियन एक्ट्रेस तो नहीं है ना, इंडियन एक्ट्रेस तो नहीं है ना भाई कोई है? तो क्या थी, याद है? इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ये जो अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं, सुन लें मेरी बात, पेन रोक लें, समझ लें, जब तक आप उतारेंगे नहीं मैं मिटाऊंगा नहीं। अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा पार्टिकल निकलेगा और साथ में गामा रेडिएशन, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है। बेटा रुक जाओ, सुन लो, स्पॉन्टेनियस, याद है स्पॉन्टेनियस का वर्ड हमने चैप्टर 18 में भी पढ़ा था, याद है? इमिशन प्रोसेसेस थे। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बेसाख्ता, खुद ब खुद, कोई चीज इसको कंट्रोल नहीं कर रही, ये खुद हो रहा है, नेचुरल हो रहा है। तो रेडियो एक्टिविटी एक तो स्पॉन्टेनियस है, ना इसको कोई स्टार्ट करवा सकता है, ना इसको कोई एंड करवा सकता है, ना मैंने बताया था कोई फैक्टर इसको चेंज करा सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यूरेनियम ले लें, यूरेनियम ही से एटम बम बनता, वो अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स खारिज कर रहे हैं, आप उसको ठंडा करें, आप उसको गर्म करें, आप उसको कूट डालें, वो इमिशंस करता रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए? रैंडम है। रैंडम से क्या मुराद है? फर्ज करें आपके पास 1,00,000 यूरेनियम के न्यूक्लियस हैं, अब उसमें से कौन सा न्यूक्लियस कब डिके होगा, डिके से मुराद है कब वो रेडिएशंस इमिट कर देगा, ये हम नहीं बता सकते, ये हम नहीं बता सकते। याद है डिके से पहले हम न्यूक्लियस को कहते थे पेरेंट, डिके के बाद वाले को कहते थे डॉटर। तो कौन सा पेरेंट न्यूक्लियट रेडिएशन इमिट करके डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगा, ये हम नहीं बता सकते। फिर क्या करें, फिर साइंटिस्ट ने कहा, फिर क्या करें? हाँ, फिर जब थोड़ा सा गौर किया, उन्होंने कहा हम ये बता सकते हैं कि कितने डिके होंगे, एक खास टाइम पीरियड के बाद कितने डिके होंगे, कितने, ये बता सकते हैं। कौन सा डिके होगा ये नहीं बता सकते। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि कराची शहर, तो मैंने आगे लिखा है सिमिलर टू पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, फर्ज करें रोज 100 बंदे मर जाता है, फर्ज करें, हो सकता है इससे ज़्यादा ही मरता हो, कराची की आबादी 2.5 करोड़ हो गई है। अब कोई नहीं बता सकता कि मैं या आप कब मरेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कोई, लेकिन ये श्योर है, ये कन्फर्म है कि कराची में डेली 100 बंदा मरता है, थोड़ा आगे पीछे, समझ रहे? या जैसे कोरोना की फिगर आते हैं ना, इंडिया में डेली 3,000 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो ये कन्फर्म है कि 3,000 से ज़्यादा मर रहा है, लेकिन कौन सा इंडियन मर रहा है ये कोई नहीं बता सकता। पाकिस्तान में डेली अब तो रेट शायद 100 से नीचे आ गया, 50-60 बंदा मर रहा है, तो 22 करोड़ की आबादी में वो 50 कौन होंगे, ये मैं और आप, लेकिन ये कन्फर्म है तो कोई ना कोई 50 होंगे, समझ गए? यही मसला रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के साथ भी है। आप ये तो नहीं बता सकते कि कौन सा न्यूक्लियस कब डिके होगा, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि खास टाइम के बाद इतने न्यूक्लियस डिके हो जाएंगे, क्लियर है? अब डिके है क्या, वही रेडियो एक्टिव डिके क्या है, द चेंज ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई टू डॉटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। जब न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा या बीटा पार्टिकल निकल जाएगा तो हम कहेंगे ये क्या हो गया, रेडियो एक्टिव डिके हो गया, ठीक है। अब फर्ज करें ये एक चार्ट है, इसी से हमें अगर हमारा जो लॉ है वो समझ में आएगा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। फर्ज करें जो मेरे पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, अभी मेरे पास ये सारा हाइपोथेटिकल है, फर्जी, उसकी वैल्यू है 64,000 और इसको मैंने नाम दिया एन, तो ये मेरी इनिशियल वैल्यू होगी, इसको मैंने कहा एन नॉट, यानी एन की वैल्यू जो टाइम जीरो पर है, एन की वैल्यू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जब मैंने सैंपल लिया, वैसे तो हम काउंट नहीं कर सकते, मैंने बताया ना ये फर्जी है, वैसे तो हम मास देखेंगे,
6 ग्राम है, डीके हो गया 3 ग्राम हो गया। एक दिन बाद मैंने देखा कि 32,000 रह गए। 32,000 कौन से रह गए? यही वाले पेरेंट वाले। तो क्या हुआ फिर? 64 में से 32 निकाला, 32,000 क्या हो गया? डीके हो गए। फिर मैंने क्या लिखा है? डीकेइंग न्यूक्लियाई। ये रिमेनिंग है, ये टाइम है। अब ये 32,000 मेरी इनिशियल वैल्यू बन गई अगले दिन के लिए। फिर एक दिन और गुजरा, यानी टोटल 2 दिन हो गए। फिर मैंने देखा 16,000 बच गए। अगेन डीके कितने हुए? 32,000 माइनस 16,000, 16,000। तो हर एक दिन बाद क्या हो रहा है? आधे न्यूक्लियाई डीके हो रहे हैं। हर एक दिन बाद आधे न्यूक्लियाई क्या हो रहे हैं? इस एक दिन को कहते हैं हाफ लाइफ। इस एक दिन को क्या कहते हैं? टी हाफ। वो टाइम जिसके दौरान आधे न्यूक्लियाई डीके हो जाते हैं वो क्या कहलाता है? हाफ लाइफ। सही है। और इसको अगर गौर से देखें, अगर ये एन नॉट है तो ये क्या है? ये एन नॉट बाई 2 है। 64 को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो 32 आ जाएगा, और 32 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 16 आ जाएगा। तो एन नॉट बाई 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एन नॉट बाई 4। ये एन की वैल्यू चल रही है। 64/4 क्या हो जाएगा? 16। इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा, एन नॉट बाई 8। इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा, एन नॉट बाई। इन इनिशियल सैंपल के हिसाब से ये मेरे पास बच रहे हैं हर एक दिन के बाद। ये क्लियर है सब? समझ में आ गया? ये कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? आपके पास शुरू में जो न्यूक्लियाई है एक ख़ास टाइम के बाद, वो टाइम मैंने एक दिन ले लिया है, वो एक मिनट भी हो सकता है, सही है, वो कई साल भी हो सकते हैं। एक दिन बाद आधे न्यूक्लियाई डिके हो जाते हैं, तो आधे क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। सही है, ये उतार लो फिर आते हैं। एग्जाम में ये दो तरह से क्वेश्चन आता है कि डिराइव अ रिलेशन फॉर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके या एक्सप्लेन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, सेक्शन बी में 4 नंबर का। तो सबसे पहले हमने एजम्पशन कर ली, यहाँ जो मैंने समझाया वही चीज़ है। एन नॉट हमने एज्यूम कर लिया नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई एट टी इक्वल्स टू 0 इनिशियल टाइम पे। एन क्या है? नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर, सही है, एन हो गई वैल्यू। डेल्टा एन क्या है? नंबर ऑफ डीकेइंग न्यूक्लियाई इन टाइम। अब डेल्टा टी कोई भी टाइम हो सकता है, टी हाफ नहीं है, किसी भी टाइम में 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद कितने न्यूक्लियाई डीके हुए वो क्या होंगे? वही डेल्टा एन। कैसे निकलेंगे? इनिशियल जो बाकी बच गए। अगर मैं रेट निकालूंगा तो रेट कैसे निकालते हैं? टाइम से डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डीके। तो ये लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके कहता है ये जो रेट ऑफ डीके है फॉर अ सैंपल ऑफ एन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, रेट ऑफ डीके, डीको को डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं, ऑब्लिक का साइन बता रहा, इज प्रोपोर्शनल टू एन। देखे यहाँ से ये बात साबित हो रही है। आपके पास 64,000 थे तो कितने डीके हो गए? 32,000। आपके पास 32,000 थे तो कितने डीके हो गए? 16,000। दिन तो हमने फिक्स कर दिया, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा है, एन है ना, ये इसको हमने एन नॉट की फॉर्म में लिखा है, एक्चुअल में तो एन है सारा, ये भी एन की कोई वैल्यू है, ये भी एन की वैल्यू है, ये भी, तो एन जितना ज़्यादा है डेल्टा एन भी उतना ही। डेल्टा एन को टी से डिवाइड कर दिया, रेट बोल दिया उसको, तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है इस चीज़ पर कि आपके पास वैल्यू कितनी मौजूद है, वही है लिख दिया। क्लियर? सही है। आगे इसका एक फार्मूला हमने निकालना है, वो देखते हैं। यहाँ तक उतार लें, ये टेबल अभी मुझे चाहिए, मैंने मिटा रही। अच्छा, उसी चीज़ को हमने मैथमेटिकली लिख लिया कि रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू एन। ये माइनस की साइन इसलिए लगाइए कि वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। शुरू में एन ज़्यादा है, बाद में एन कम है, ये नीचे लिख भी दिया है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं, इक्वल लगाते हैं और कॉन्स्टेंट लगाते हैं, माइनस एन अपनी जगह पे, ठीक है। कॉन्स्टेंट क्या आएगा? लैम्डा। लैम्डा मल्टीप्लाई बाय माइनस एन क्या हो गया? माइनस लैम्डा एन।
लैम्डा क्यों क्या कहते हैं, डीके या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और नेगेटिव साइन बता रही है कि न्यूक्लियाई जो है टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा चलो फिर आगे चलते हैं। चले आगे, हमने एक और चीज डिफाइन की, नंबर ऑफ डीके या नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को हमने कहा एक्टिविटी है। नंबर ऑफ डीके पर सेकेंड क्या है, वही डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, डीके पर सेकेंड हो गया ना। अगर ये 10 है और ये 2 सेकेंड है तो क्या होगा, 5 न्यूक्लियाई पर सेकेंड हो जाएगा ना, अपॉन में तो सेकेंड बचे गए। नंबर ऑफ डीके या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज कॉल एक्टिविटी, इट इज टेकन एज अ पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन इसकी पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी क्या था, माइनस लैम्डा एन, तो हम माइनस नहीं लेंगे, तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी की जगह क्या लिख दिया, लैम्डा एन। समझ गए, क्लियर है? अब इसके बाद हमने डिफाइन की रिलेटिव एक्टिविटी। रिलेटिव एक्टिविटी क्या है, ए अपॉन ए नॉट, ए क्या होगा लैम्डा एन, तो ए नॉट क्या होगा लैम्डा एन नॉट, लैम्डा एन अपॉन लैम्डा एन नॉट, लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया कैंसिल, तो ए अपॉन ए नॉट जो बराबर होगा एन अपॉन एन नॉट इज कॉल रिलेटिव एक्टिविटी। अच्छा अब ये सारी मेहनत हमने क्यों की, ग्राफ ऑफ रिलेटिव एक्टिविटी यानी एन अपॉन एन नॉट वर्सेस टाइम, ये टाइम का भी हम ग्राफ बनाएंगे, इज एन एक्सपोनेंशियल वन एज शोन बिलो, वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है, मैथ वालों ने शायद कहीं पढ़ा हो, ठीक है ना, मैथ वालों ने शायद कहीं। अब ये एक्टिविटी भी देखे क्यों डिफाइन की, मैंने कहा ना बास की हाफ लाइफ तो 1600-1700 साल है, तो हम 1600 साल तो हमारी उम्र ही नहीं है, 1600 साल तो हम बैठ के इंतज़ार करेंगे कि कब, नहीं हम ये देखेंगे कि एक सेकंड में कितने डीके हो गए, कैसे पता चलेगा एक सेकंड में कितने अल्फा पार्टिकल निकल गए, जितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे उतने ही न्यूक्लियाई क्या हुए होंगे, डीके हो गए होंगे। तो ये हमारे लिए निकालना क्या है, आसान है, ये हमारे लिए निकालना क्या है, ठीक है। यूरेनियम का जैसे एक है उसकी हाफ लाइफ 1600 साल है, समझ रहे हो, तो इसलिए ये टर्म डिफाइन किए। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा ग्राफ वो एक्सपोनेंशियल बनेगा, वहीं से इसका फॉर्मूला बनेगा और ये क्वेश्चन एंड हो जाए। ये हमने ग्राफ बनाया एन अपॉन एन नॉट और टाइम का, ठीक है। एन अपॉन एन नॉट, देखिए मैंने कहा था यहाँ एन की वैल्यू क्या है, एन नॉट है, यह एन की वैल्यू क्या है, एन नॉट बाय 2 है। तो अगर यहाँ मैं देखूँ एन बराबर है एन नॉट को इधर ले आऊँगा तो एन अपॉन एन नॉट क्या हो जाएगा, 1। यहाँ एन की वैल्यू क्या है, एन नॉट बाय 2, एन नॉट को इधर ले आऊँगा तो एन अपॉन एन नॉट क्या हो जाएगा, 1/2, समझ रहे, ठीक है। तो स्टार्ट में मेरे पास एन नॉट है यानी एन बराबर है एन नॉट, तो एन अपॉन एन नॉट क्या हो गया, 1, एन अपॉन एन नॉट क्या हो गया, जब मेरा टाइम 0 है, एक हाफ लाइफ के बाद, एक हाफ लाइफ के बाद, टी हाफ के बाद एन अपॉन एन नॉट क्या हो गया, 1/2, उसके एक हाफ लाइफ और गुजरने के बाद अब ये एन नॉट की जगह 1 आ जाएगा ना, वही एन अपॉन एन नॉट क्या हो गया, 1/4, फिर क्या हो गया, 1/8, फिर क्या हो गया, 1/16, फिर क्या हो जाएगा, 1/32, ठीक है। जब आप इन डॉट्स को मिलाएंगे ये ग्राफ बनेगा, जब डॉट्स को मिलाएंगे तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल डीके, डीके हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है, लेकिन कैसे, एक्सपोनेंशियल से मुराद है देखो शुरू में बहुत तेज़ी से चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ आए, अब क्या हो गया, स्लो हो गया और स्लो हो गया और स्लो हो गया और स्लो हो गया, ग्राफ डेटा भी वही बता रहा है, ग्राफ भी वही बता रहा है, ठीक है। अब ये मैं मिटा दूंगा, इसके मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ग्राफ बनाओ यहीं से फॉर्मूला बनेगा। तो हमने ग्राफ बनाया एन अपॉन एन नॉट का टाइम के रेस्पेक्ट से, शुरू में हमारी वैल्यू क्या थी, अभी मैं दोबारा समझा रहा हूँ, आगे अगर आप वीडियो देखें तो समझ में आए, एन किसके बराबर था, एन नॉट के, जब टाइम क्या था, 0,
तो जब n नॉट को मैं इधर ले आऊँगा तो n अपॉन n नॉट क्या हो जाएगा, 1। ये हमारी पहली रीडिंग है, स्टार्टिंग टाइम पे n अपॉन n नॉट क्या है, 1। दूसरी रीडिंग क्या थी कि टाइम हो गया एक हाफ लाइफ, तो n हो गया था n नॉट बाय 2। अब मैं n नॉट को इधर ले आऊँगा तो n अपॉन n नॉट क्या हो जाएगा, 1/2। तो एक हाफ पीरियड के बाद ये क्या हो गया, 1/2। इस तरह दो के बाद क्या हो जाएगा, 1/4। जब आप इनको मिलाएंगे डॉट्स को तो ये ग्राफ बन जाएगा, 3 के बाद 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। इस ग्राफ को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज से क्या मुराद है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीजेस रैपिडली एट स्टार्ट एंड स्लोज डाउन एज टाइम पासिस बाय। अब मैथमेटिक्स की ब्यूटी यह है कि आप इक्वेशन से ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ से। इस ग्राफ के लेफ्ट साइड पे n अपॉन n नॉट है और राइट साइड पे क्या है, टाइम है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ होता है, फिर n अपॉन n नॉट यानी y एक्सिस वाला, ये बराबर होता है एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस टी। लैम्डा हमने इंसर्ट किया है क्योंकि कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ऐसे होगा कि उसका हाफ लाइफ कम होगा और किसी की हाफ लाइफ क्या होगी, ज़्यादा होगी। वो कहाँ से पता चलेगी, लैम्डा से। कोई जल्दी डीके होगा, सही है, कोई 1600 साल बाद आधा डीके करेगा, कोई 20-30 मिनट बाद ही आधा डीके कर देगा, सही है। तो टाइप ऑफ एलिमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, वो टाइप ऑफ एलिमेंट कौन बताएगा, लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ से इक्वेशन निकाली, एन नॉट को इधर ले आएंगे तो एन बराबर हो गया एन नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा टी। तो आप मैथमेटिकली किसी टाइम के बाद n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n नॉट आपको पता होना चाहिए इनिशियल वैल्यू, लैम्डा पता होना चाहिए उस न्यूक्लियस का, उस एलिमेंट का। अब t रख दो, एक दिन, दो दिन, दस दिन, बीस दिन, तो आप n निकाल लोगे, समझ रहे हो। तो ये n निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया कि कितने n आपके पास हैं, बाकी क्या हो गए, डीके हो गए। चलिए,